अंतरमाला में आप सभी का स्वागत है और आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी स्पेशल पंजरी। पंजरी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए जो सामग्री ली है वो इस प्रकार है। करीब मैंने 3 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया लिया है जिसको मैंने भून के पीसा है, और 3 स्पून बड़ी वाली मैंने आटा लिया है गेहूं का, और ये कुछ दाने इसके करीब आधी कटोरी मैंने मखाने लिए हैं कच्चे, और 3 टेबल स्पून ही मैंने पिसी हुई चीनी ली है, बूरा लिया है। जो आप बूरा नहीं हो तो आप चीनी को पीस के ले सकते हैं। 3 टेबल स्पून ही मैंने देसी घी लिया है जिसको ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून के करीब बीज लिए हैं, ये खरबूजे के बीज हैं, इनको मस्क मेलन सीड्स भी बोलते हैं। कुछ मिश्री के दाने और 4-5 तुलसी के पत्ते लिए हैं। तो हम बनाना शुरू करते हैं पंजरी। गैस मैंने ऑन कर दिया और गैस को मैंने मीडियम कर दिया। अब मैं सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून घी डालूंगी और मखानों को सबसे पहले मैं भूनूंगी। मैंने इसमें मखाने डाल दिए हैं और अब मैं मखानों को थोड़ा भूनूंगी। मखानों को भूनने में करीब 2 मिनट लगेगा, गुलाबी होने तक इनको भूनेंगे और निकालेंगे। हमारे मखाने भून गए हैं और अब हम इनको निकालेंगे। को हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम हमारे जो बीज हैं उनको भी भून लेंगे। बीज बहुत जल्दी भून जाते हैं, जब इनमें चट चट की आवाज़ आने लगे और ये फूल जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। हमारे बीज भून गए हैं और अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। अब हम आटे को भूनेंगे और इसमें हम करीब 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाला है, और फिर ज़रूरत होने से हम और ऐड करेंगे। और ये 3 टेबल स्पून आटा है जिसको मैं इसमें डाल रही हूँ, और अब हम इसको भूनेंगे। यदि घी कम लगता है तो हम इसको और घी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा घी और डालूँगी इसमें, करीब 1 टेबल स्पून घी मैंने इसमें और डाल दिया है। इसको चलाते चलाते करीब 3-4 मिनट लगेगा जिसमें हमारा आटा भुन जाएगा। घी अच्छी मात्रा में होने से आटा बहुत जल्दी भुन जाता है। हमारा आटा भुन गया है, इसको ज़्यादा गहरा नहीं भूनते, और मैं गैस बंद करती हूँ। और इसमें सबसे पहले मैं साथ में डालूँगी धनिया, उसको डालने से धनिया भी साथ में भुन जाएगा। तो गैस बंद है लेकिन मैं इस गर्म आटे में धनिया डाल दी हूँ और उसको अच्छी तरह हिलाऊँगी, उससे हमारा धनिया भी साथ में अच्छी खुशबू देने लगेगी। जो भुने हुए मखाने हैं उनको मैं मिक्सी में डाल रही हूँ, वो बहुत ही जल्दी पिस जाते हैं। सिर्फ 1 राउंड या 2 राउंड मिक्सी का चला करके बंद करके उनको निकाल लें। और अब मैं मिक्सी चलाती हूँ। अब ये जो धनिया और आटा है इसी में मैं बूरा भी इसी में मिला दूँगी। आपको जितना बूरा खाना है आप उतना ही मीठा डालें। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी और इसी के अंदर मैं जो मखाने हैं वो भी बाद में ऊपर साथ में डाल दूँगी। जो पंजरी बनाई है इसमें बूरा और धनिया पाउडर सब मिक्स कर दिया है, इसको मैं अब इसमें प्लेट में निकाल रही हूँ। और इसके बाद ये जो हमने मखाने भुने थे उनको मैंने थोड़ा दरदरा पीस लिया है, वो भी इसमें डाल रही हूँ और उसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। फिर मैं ऊपर से जो मैंने बीज सेके थे वो डाल दूँगी, और सबके बाद में मैं इसके ऊपर डालूँगी जो मैंने मिश्री ली है, थोड़े मिश्री के दाने, और सबसे बाद में जो तुलसी के पत्ते लिए हैं उनको मैं इसमें रख दूंगी। तो हमारी पंजरी तैयार हो जाएगी। तो मैं इसको कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप लोग सभी लोग भी इसको बनाएं, हमने बहुत ही सरल तरीके से बनाई है। भी पंजरी बनाएं और अपने अनुभव शेयर करें हमारे चैनल पर।